नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया चैनल में। अभी हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस जो पाकिस्तान का मैच खेला गया है उसके बारे में, जहां पर आपको बताएंगे कि साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से किसने ज्यादा विकेट लिए और किसने ज्यादा रन बनाए, वहीं पाकिस्तान की बैटिंग कैसी रही, किसने सबसे ज्यादा रन बनाए और किसने कितने विकेट लिए। यहाँ पर हमें एक एक करके सभी जानकारी पाने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि हम यहाँ पर हाइलाइटेड पॉइंट्स लेकर आ गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिकेट जो वर्ल्ड कप चल रहा है और उसके सभी मैचेज के हाइलाइटेड पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबा कर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मैच की एक एक जानकारी देंगे। तो आपको बता दें, पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, और पहले बल्लेबाजी का फैसला भी बहुत ही अच्छा कारगर हुआ, जहां पर मैच का आगाज ही पाकिस्तान की जीत से हुआ, यानी कि टॉस पाकिस्तान ने जीता और उसके बाद मैच की समाप्ति भी पाकिस्तान की जीत से ही हुई। दरअसल आपको बता दे तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और रन बना डाले 308, 7 विकेट खोकर 50 ओवर पूरे किए और 7 विकेट खोए और 308 रन बना डाले। उसके जवाब में साउथ अफ्रीका को 309 रन बनाने थे। साउथ अफ्रीका के धुरंधर केले, जिन्हें दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक माना जाता है, वो मैदान पर आए और मैदान पर आते ही कुछ चौकों छक्कों की बरसात तो की, लेकिन विकेट जाते चले गए और यही बड़ा कारण रहा साउथ अफ्रीका की हार की। साउथ अफ्रीका ने 259 रन बनाए, 9 विकेट खोकर 50 ओवरों के अंतर्गत, यानी कि पूरी टीम ऑल आउट नहीं हुई, जहां पर पाकिस्तान 49 रनों से ये मैच जीत चुकी। यह मैच था 48 मैचों में से 30वां मैच। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की और साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की। तो पाकिस्तान की बैटिंग में सबसे ऊपर हैरिस सोहेल आते हैं। हैरिस सोहेल ने 90 रन बनाए 59 गेंदों का सामना करते हुए। उनके बाद बाबर आजम, जिन्हें पाकिस्तान का विराट कोहली भी कहा जाता है, ये पाकिस्तानी द्वारा ही कहा गया है, काफी दिग्गजों द्वारा भी कहा गया है, उन्होंने 69 रन बनाए 80 रन बॉले खेलकर, काफी अच्छी स्ट्राइक रेट नहीं रही, लेकिन उन्होंने हाल फिलहाल में एक अच्छा प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को 308 जैसे बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। उनके बाद एक और धुरंधर खिलाड़ी फकार जमान नजर आए, जिन्होंने 50 गेंदों का सामना किया और 44 रन बनाए। तो ये टॉप 3 बल्लेबाज हो गए पाकिस्तान के। अब उनके बाद का बात करते हैं टॉप 3 बॉलर्स साउथ अफ्रीका की। तो लुंगी एंगिडी काफ़ी अच्छे बॉलर है और काफ़ी धुरंधर बॉलर है। इनकी इकोनॉमी रेट भले ही ज़्यादा रही हो, लेकिन उन्होंने 3 विकेट भी झटके। उनके बाद एक स्पिनर जो मोस्ट स्पिनर है, ज़्यादा देश के सबसे बड़े स्पिनरों में से एक माने जाने वाले और जो वर्ल्ड के स्पिनर में से एक माने जाने वाले, इमरान ताहिर, 41 रन दिए 10 ओवरों के अंतर्गत और 2 विकेट भी लिए, यानी कि इन्होंने बहुत ही कम इकोनॉमी रेट से रन लुटाए। उनके बाद आते हैं एडन मरकरम, उन्होंने कितने 22 रन दिए 4 ओवर के अंतर्गत, यानी कि अगर इनकी इकोनॉमी रेट की बात की जाए तो लगभग 5 के करीबन ही है, 5 कुछ समथिंग आ रही है, यानी कि 5.5 के करीबन है एडन मरकरम की, इन्होंने 1 विकेट भी लिया। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बैटिंग की और पाकिस्तान की बॉलिंग की। तो साउथ अफ्रीका के हाफ डुप्लेसिस बैटिंग में तो अच्छे हैं, ये आपको बता दें, इन्होंने अपनी कप्तानी बारी खेल ली और 79 गेंदों के अंतर्गत 63 रन बनाए। उनके बाद एक और अच्छे बल्लेबाज कहने वाले डिकॉक, जिनका पूरा नाम है क्विंटन डिकॉक, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इन्होंने 47 रन बनाए 60 गेंदों का सामना किया। उनके बाद अंदिले फेलुकवायो, इनका नाम बोलने में आपसे भी गड़बड़ हो जाएगी, ये काफ़ी अच्छे साबित हुए। इनके स्ट्राइक रेट 150 के पार थी, लेकिन इनके स्ट्राइक रेट बाद में आई क्योंकि यह एक मेन बॉलर के रूप में काम कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो अंदिल फेलुकवायो ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, इन्होंने 32 गेंदों के अंतर्गत 46 रन बनाए। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की।
तो पाकिस्तान की बैटिंग में तो हमने आपको बता दिया है कि हरीश सोहेल सबसे ऊपर है, लेकिन अब पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो वहाब रियाज सबसे ऊपर है। वहाब रियाज वही खिलाड़ी है जिन्होंने रन लुटाए थे इंडिया को सबसे ज़्यादा, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे प्रदर्शन में रहे। वहाब रियाज ने 3 विकेट भी लिए और 46 रन ही दिए 10 ओवरों के अंतर्गत, यानी क्या करें इनकी इकोनॉमी रेट की बात की जाए तो करीबन 4.6 है जहां पर इन्होंने 3 विकेट भी लिए। उनके बाद शादाब खान काफ़ी अच्छे बैट्समैन बॉलर दोनों हैं, इन्होंने 50 रन दिए 10 ओवरों के अंतर्गत और 3 विकेट झटके, जहां पर इनकी इकोनॉमी रेट की बात की जाए तो 5.0 की इकोनॉमी रेट के साथ इन्होंने रन दिए। मोहम्मद आमिर ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मोहम्मद आमिर जो कि सबसे बड़े धुरंधर बॉलर कहे जाते हैं पाकिस्तान के, ये हाँ आपको बताते हैं, इन्होंने 30 नंबर पर अभी इस मैच में प्रदर्शन किया, लेकिन इन्होंने 49 रन दिए 2 विकेट झटके और 10 ओवरों के अंतर्गत। तो इस प्रकार के मैच के हाईलाइटेड पॉइंट्स थी। टोटल मिला के बात यही है कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 308 रन बनाए और यह साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही बड़ा लक्ष्य साबित हुआ और साउथ अफ्रीका इस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सका क्योंकि 259 रन पर ढेर हो गया। 50 ओवरों के अंतर्गत इन्होंने 9 विकेट खोकर 259 रन ही बनाए। 49 रनों से पाकिस्तान जीत गया, जीतने के लिए 50 रन चाहिए थे और 49 रनों से यह जीत गया। तो यही थे आज के मैच के हाईलाइटेड पॉइंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।